Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Hassan Sajjad, your host for today's webinar. And today we have a very special guest today with us, Ustad Waqi Ali, who is the co-founder of Al-Midar Institute. And right now he is the MD of Midar Institute. And Ustad Waqi, who is our most monthly workshops, we are also Safa ke bhi Ustad hain. Jo R&D, jo hamara research ka jitna kaam hota hai, usko bhi look over kehte hain. So, kaise hain Waqi bhai, aap kya haal hain aapke? हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्यों क्या पॉइंट्स आप बेसिकली डिस्कस करेंगे उस वर्कशॉप के अंदर. तो मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूंगा आपसे. बाकी मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछें और हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन के अंदर कवर अप कर सकें. तो अच्छा वकील भाई, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों का ये शिकायत होती है या शिकवा होता है कि आजकल के जितने लोग आजकल के दौर के जितने बच्चे हैं सब बहुत बिगड़े हुए हैं. तो आपके हिसाब से ये आजकल का ही मसला है या मसला पहले से भी होता रहा है? सबसे पहले तो मैं इस सवाल का मैं जवाब चले मैं आपको दे देता हूँ, फिर और बातों की तरफ चलेंगे. कि बच्चा जो है, अगर आप थ्रेटिकली भी देखें और एक प्रैक्टिकली भी देखें, तो बच्चा जो है वो तो कभी भी जो है बिगड़ा हुआ नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल. ठीक है, और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत स्टडी कर रहा हूँ आजकल. कि अल्लाह ताला ने ना कुरान को भी अगर हम स्टडी करें तो अल्लाह ताला ने वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने अगर चीज़ों को समझना है ना, तुमने अपने आप को समझना है, तुमने किसी लेट्स सपोज पेरेंटिंग को समझना है या किसी और दुनिया के किसी फैसेट को समझना है, तो आप क्या करोगे, उसको तो स्टडी करोगे करोगे, लेकिन उसके मुकाबले में और जो चीजें जो मॉडल्स दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं उसको भी तुमने देखना है. जब भी जगह जगह पे आप जो कुरान का बड़ा प्यारा मॉडल है, अल्लाह ताला आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, इनफैक्ट ऊंट की तरफ, अफला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त, आसमान की तरफ, पहाड़ों की तरफ अल्लाह ताला रेफर कर रहे होते हैं कि आप अपनी एक ऑब्जर्वेशन रखो कि वो देखो किस तरीके से वो जो है क्या करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, क्या लाइफ साइकिल है, वो उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनसे क्या नुकसान हो जाता है. तो मैं इसमें ये समझता हूँ, अल्लाह के रसूल ने बड़ी एक प्यारी हदीस है, इंशाल्लाह इसको भी मैं वर्कशॉप के अंदर बहुत इन डेप्थ जाके पार्ट बनाऊंगा अपनी वर्कशॉप का, कि कुल मौलूद इन यूलद अला अलफितरा फअबवाहु यहुदानी अव यमज्जसानी अव नसरानी अव कमा कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर जो बच्चा, हर जो न्यू बॉर्न होता है, वो एक फितरत के ऊपर, एक स्टैंडर्ड के ऊपर, एक डिफॉल्ट पोजीशन के ऊपर पैदा होता है. तो अगर अल्लाह ताला अपने रसूल के थ्रू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हमें समझा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि दुनिया का हर बच्चा जो है वो अपनी उस फितरत, उस डिजाइन के ऊपर आता है, तो आपका जो ये सवाल है ये एक तरीके से यूजलेस रह गया कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बिगड़े हैं. हालांकि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला अलफितरा, कि हर जो बच्चा है वो तो अपने डिजाइन के ऊपर आता है. और ये इंशाल्लाह हमारी जो मेरी जो अपकमिंग वर्कशॉप है 23rd को, पेंटिंग 21st, उसका इंशाल्लाह फर्स्ट मेरा ये टॉपिक होगा जिसको मैं डिस्कस करूंगा, और मतलब इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा. और आगे भी इस हदीस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. अच्छा, इसको हम वकी भाई इंशाल्लाह वर्कशॉप में अंदर डिटेल के अंदर आई गेस कवर अप करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर. अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है, तो जिस जिसने रजिस्टर नहीं किया इस वर्कशॉप के लिए, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करें कि वो इंटरेस्टेड है इस वर्कशॉप के लिए, और इंशाल्लाह जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उनको कॉन्टैक्ट करेगा ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके. मैं कहूँगा वकी भाई, आजकल के दौर में ये बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत नेसेसिटी है लोगों की, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है चीज़ों के अंदर कि लोगों को समझ नहीं आती कि बच्चे की तरबियत कहाँ से स्टार्ट करें. एक चीज़ को देखते हैं, दूसरी चीज़ कवर अप चीज़ हिल जाती है, तो कई लोगों को अक्सर मसले मसाइल होते हैं. इवन कि हमें भी जो काउंसलिंग के हवाले से जो
क्वेरीज वगैरह आती है मिद्रा इंस्टीट्यूट को, यही आती है कि भाई अपने बच्चों की तरबियत क्या कह रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुनते। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को डिटेल में कवर अप करेंगे अपनी वर्कशॉप के अंदर। अच्छा वकी भाई, ये मुझे बताएगा कि एक बच्चे के नेचर के अंदर उसको डेवलप करने के, या जो लोग कहते हैं कि बच्चे का नेचर बिगड़ गया, तो ये बताएगा कि कल्चर में कितना हाथ होता है, उसके एनवायरनमेंट में कितना हाथ होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि शायद आप सवाल इसलिए पूछा भी और लेकिन सर से ही सवाल निकल गया कि सवाल ये होना चाहिए था कि आपके माइंड में ये वर्कशॉप क्यों आई, आपने इसको क्यों डिजाइन किया, या फिर क्या कंटेंट है और क्यों कंटेंट है। ये एक बेसिक सवाल है जिसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा, फिर अगर भूल जाऊँ तो दोबारा रिपीट कर लेगा अपना सवाल। मेरी हमेशा से जो है ना मिजरार का और मेरा भी हमेशा से ये एक तरीका रहा है, और मैं लोगों को भी हमेशा सिखाता हूँ कि अपनी जो ऑब्जर्वेशन है ना उसको हमेशा अपने ऊपर और अपनी सराउंडिंग के अंदर, और इसको हम आयत कौनिया कहते हैं, इसको आयत शरिया भी कहते हैं। तो आयत कौनिया के ऊपर जो यूनिवर्सल जो अल्लाह ताला ने जो साइंस दी हैं, जो हमें निशानियां दी हैं, उसमें हम जिसको हम मखलूक भी कह सकते हैं। तो मखलूक के ऊपर इंसान की कॉन्टेम्पलेशन और गौर फिक्र, तदब्बुर, सोच विचार, तफक्कुर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसी तरीके से उसको रिलेट करते हुए जो आयत शरिया है जिसको हम कुरान और हदीस कहते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है ना बहुत फोकस होना चाहिए हमारा। तो ये जो आज का ये जो टॉपिक है पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी, तो इसको ये कोई आज का टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत सालों से इसमें मैंने वो सब कुछ भी डाला है जो मेरी अपब्रिंगिंग के अंदर मुझे फील हुआ, क्या क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे। और जैसा कि शायद बहुत से लोगों ने जो इसका मैंने टीजर रिकॉर्ड कराया तो उसके अंदर ही मैंने इस बात को हाईलाइट किया था कि पहले के जमाने बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं अगर अपना भी देख लूँ 90s की अगर मैं बात करूँ, या जो लोग इंशाल्लाह इसका पार्ट बनेंगे 70s या 80s के, मतलब वो दौर बड़े डिफरेंट होते थे। रेडियो का एक कल्चर होता था, इसी तरीके से आपका जो टीवी था उस वक्त का जो मीडिया था वो बहुत डिफरेंट था। मतलब इसी तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं आई हुई थी, गैजेट उस तरीके से नहीं थे, बड़ी मतलब एक लाइफ के ना सिंपलिसिटी बहुत एग्जिस्ट करती थी, और प्लस जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी। ठीक है, तो अब जो जी चीजें आ रही हैं इसके अंदर चीजें बहुत क्विकली चेंज हुई हैं। और एक जो वर्ड हम हमेशा से सुनते हैं, यूज करते हैं कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज की तरह जो है ना वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, या बन रही है, या इवॉल्व हो रही है टुवर्ड्स दैट एंड, कि जिसके अंदर मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान किस गांव के अंदर है, किस शहर के अंदर है, किस प्रोविंस के अंदर, इनफैक्ट किस कंट्री के अंदर है। ठीक है जी, और आगे जो आहिस्ता आहिस्ता दौर आ रहे हैं 5G का जो दौर आ रहा है, जिसमें मतलब आपके पास मतलब जीबी के ऊपर आपकी जो है ना स्पीड होनी है, और उसके बाद सैटेलाइट सिस्टम आपके पास आ जाएंगे, और उसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता इलॉन मस्क इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है। तो उसके बाद मतलब वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारा, एक शहरी वाला और एक देहाती वाला, वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाना। और इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसको हमने कैसे डिजाइन किया, या इसका कंटेंट क्या है, ये बहुत मैटर करती है लोगों के लिए, और वो एक काइंड ऑफ बैरियर होता है कि यार हम इसको इसमें पार्टिसिपेट करें नहीं करें, इसमें हम जो है ना इसको रजिस्टर करें नहीं करें। आज तक मेरे ख्याल में मुझे याद है 6-7 साल पहले मैं एक गांव गया था पंजाब के, तो चीजों को ना हमेशा हम कंपैरेटिवली देख रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो ना ऐसी जो वहाँ के लोकल्स थे, हमने ऐसी पूछा कि यहाँ कल्चर क्या है, क्या बातें हैं। और जाहिर सी बात है कि एक जो नेचुरल जो एस्पेक्ट है एक गांव का, एक रूरल एरिया का, वो एग्जिस्ट करता होगा। तो उन्होंने कहा देखिए जब से केबल आया है ना हमारे पास, और घर घर के अंदर खाने को भले ना हो लेकिन टीवी हमारे पास मौजूद है, और टीवी के थ्रू बच्चा जो है ना वो पूरी दुनिया की चीजें देख रहा है, उसके पास डिफरेंट चैनल्स हैं, मूवीज आ रहे हैं, एपिसोड्स हैं उसके पास हर तरह की लैंग्वेज एक तरीके से उसके पास एक्सेस है, और डिफरेंट लैंग्वेज के कंटेंट के एक्सेस है। ये पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अब जो है ना मतलब जो चीजें हैं वो बहुत चेंज हो चुकी हैं, और वो खुद ये बता रहे हैं, हालांकि वो एक देहाती इंसान था। उसने कहा मतलब 10-15 सालों के अंदर मतलब चीजें बहुत चेंज हो गई। मतलब एक दौर हुआ करता था जब टीवी एटीवी शायद लोगों ने नाम याद ना हो, तो मतलब वही होते थे, और उसके बाद किसी के पास एक सेटेलाइट या फिर वो डिश टाइप की कोई चीज होती थी, उसके थ्रू चैनल्स आ गए। लेकिन अब
कहानी उससे भी आगे चली गई ना, अब तो मोबाइल फोन के दौर आ गए, लोग टीवी भी ऐसे ऐसे खत्म कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर सारे शोज भी हैं, लाइव आपके सब चीजें मौजूद है, हम खुद एक तरीके से मोबाइल के थ्रू सारी चीजें जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले एक दौर था 2-3 चैनल्स होते थे, फिर होते होते 100-200 चैनल्स हो गए, अब 2 लाख 2 करोड़ चैनल्स हैं और हर किसी का एक्सेस है और हर कोई ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो इसके प्रोज भी बहुत ऐसे कौन सी हो, तो कहने की बात ये कि इन सब के अंदर ये एक वो ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड है मैं समझता हूँ, ठीक है ना। एक देखिए नॉर्मली क्या होता है किसी भी चीज में, कोई भी चीज आती है ना, तो एक उसका पहले का दौर होता है बिफोर आफ्टर, और एक उसके बाद वाला दौर होता है, ठीक है ना। तो बिफोर वाला दौर ही बड़ा अच्छा होता है और आफ्टर वाला दौर ही बड़ा अच्छा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे लोग जो है ना एक जमाने में घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी और ये ऊंटों के पास सफर करते थे, वो एक दौर था, ठीक है जी। उसके बाद जो है बिल्कुल ना जब ये ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, तो ये एक ट्रांजिशन था एक एरा की तरफ, ठीक है। तो अब जब वो आ गया तो फिर कॉन्सेप्ट बन गया, फिर ट्रेन, फिर स्टेशन और ये, ठीक है ना। लेकिन जो उसका बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत मुश्किल होता है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आज का भी जो दौर, मैं इसको कहता हूँ जो आजकल का भी जो जो साल है ये ट्रांजिशनल पीरियड्स के अंदर है, और मतलब चीजें इतनी क्विकली चेंज हुई हैं हर एस्पेक्ट से। आप बात करें मतलब चाहे आप एजुकेशन की बात करें, आप जो है ना लिविंग स्टाइल्स की बात करें, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, सोशल कंफॉर्मिटी की बात करें, मतलब थिंग्स हैज चेंज और वो पहली वाली बातें नहीं रही हैं। तो इसके अंदर फिर होता क्या है कि वो टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है, जो नॉर्मली जो हो रहा होता है हमारे साथ टग देखो ऑफ वॉर शुरू होती है। मतलब पुराने वाले अपनी तरफ कैसे शुरू करते थे, नए वालों को समझ नहीं आती कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इनका क्या हाल वाल है। तो ये सारी चीजें जिसके वजह से है ना, मैंने वो पहले तो उनको पहले तो ऑब्जर्वेशन थी, इश्यूज देखे, अपने भी देखे, अपने सराउंडिंग के अंदर भी देखे, फैमिली से भी देखे, एक्सटेंडेड फैमिली से भी देखे, लोगों की फैमिली से भी देखे, प्लस जो हमारा काउंसलिंग का जो एक पूरा डिपार्टमेंट है, और हमारे पास इंटरनेशनली जो क्वेरीज हमारे पास आती हैं तो उसका भी हमारे पास बहुत बड़ा डाटा मौजूद होता है, और हम हर तरह की अलहमदुल्ला जो जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डील कर रहे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी रूहानियत से रिलेटेड हो, चाहे वो अल्लाह से कोई उनका मसला हो, कोई मतलब एक्स वाई जिस तरह का भी मतलब अल्लाह सॉल्व ना हो रहा हो उनसे, या बिल्कुल मतलब रूहानी का कोई भी इशू, तो हर तरह के उसको जब डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास अलहमदुल्ला डाटा भी बहुत ज्यादा होता है, जिसमें हमें पता होता है कि हमारी जो आज की सोसाइटी है, और सोसाइटी से मुराद मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, हमारे पास अलहमदुल्ला इंटरनेशनल लोग, हमारे पास इंटरनेशनल ऑडियंस मौजूद है अलहमदुल्ला। तो हमें पता करना होगा कि हमारा ये इशू है और हमें इसको एड्रेस करना है। तो इन सारी चीजों को जमा करके हमने इस कंटेंट के ऊपर वर्किंग की है। तो अब आप अपने सवाल की तरफ आते हैं, ये मैंने तो एक बहुत ब्रीफ सा मैंने जो है ना एक इंट्रो दे दिया कि व्हाट द कंटेंट इज ऑल अबाउट, और बाकी जो आपके सवाल में सवाल था अच्छा से वकील, किसी रिलेटेड ने डेफिनेटली। जी, यस यस गो एक अहेड। सवाल किसी ने पूछा हुआ था कंप्यूटर में कि मुझे समझ नहीं आई इंग्लिश में कि पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन कर दें। वो मैंने समझा दिया इसको कि जो पिछला दौर था और जो अब जो आगे दौर आने वाला है वो बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो पहले के जो खिलौने थे और अब के जो खिलौने हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले के जो जराए थे, अगर समझ में नहीं आती आपको, जो जराए थे सफर करने के, पढ़ने के, या जराए अबलाग के, कम्युनिकेशन जो जिसको हम कह सकते हैं, तो वो पहले बड़े मुख्तलिफ होते थे। लोगों के अंदर अखबार पढ़ने का एक ट्रेंड होता था, मतलब अब अखबार मतलब मैं अपनी बात करूं मतलब शायद हम नाश्ता ही नहीं करते थे, अखबार नहीं पढ़ते थे। ये हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ी अच्छी एक आदत डाली थी, मतलब नाश्ता चल रहा होता था और हमारा अखबार चल रहा होता था। तो अखबार आज भी हम पढ़ते हैं लेकिन अब अखबार की ऐप डाल दी हम, ठीक है ना। अब जैसे सुबह नहीं पढ़ते, शाम में पढ़ लेते हैं, रात में पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ये है कि पहले सिर्फ अखबार से न्यूज मिल रही होती थी हमें, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, अब हर जगह से न्यूज मिल रही होती है, पॉपअप्स आ जाते हैं, नोट मैसेज आ जाते हैं, अलर्ट्स आ जाते हैं, ग्रुप्स हैं। अब हम सिर्फ अखबार के मोहताज नहीं रहे, अब वैसे ही लोग रिपोर्ट करने वाले बहुत हैं, इसके प्रोस भी ऐसे कौन सी है। तो ये उस बदलती हुई दुनिया के अंदर अपने आप को कैसे सेटल करना है, अपने हर हर आशा को जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये है पेंडिंग 21st सेंचुरी। जी ठीक है। अच्छा नवीद आई भाई होप ने पूछा है कि वर्ल्ड
वर्कशॉप के दौरान सवाल का जब टाइम दिया जाएगा, जी इंशाल्लाह लाजमी आपको दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा जिस तरह अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकेंगे, और जो हमारे जो वर्कशॉप जो कंडक्ट कर रहे हैं सादत वकी अली, ये इंशाल्लाह उससे कुछ जवाब भी दे सकेंगे। अच्छा वकी भाई, एक इसमें ये है सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये वर्कशॉप सिर्फ शादीशुदा लोगों को लेनी चाहिए या जो स्टूडेंट्स हैं या जिनकी शादी होने में टाइम है अभी, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप जब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, आप मॉन्टेसरी में अब एडमिशन ले रहे हैं, जूनियर मॉन्टेसरी, देन सीनियर मॉन्टेसरी, फिर ग्रेड वन, ग्रेड टू, जो हमारा एजुकेशनल मॉडल है, ठीक है, आप बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं उस वक्त, दो के आपको कलरिंग के थ्रू और जो है ना क्रियॉन्स के थ्रू या फिर डिफरेंट वो पेस्टिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट डाल रहे होते हैं, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप जो उर्दू पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, बेसिक एक साइंस आपको पढ़ाई, क्या आज आपको उसका इस्तेमाल पता चलेगा? हालांकि आप क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेटली ठीक है, आप अनमेरिड भी है, कोई मसले की बात नहीं हो सकती, और इल्म है। देखिए, हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने कोई पार्टी थोड़ी करनी है, हमने एक सीरियस इश्यूज को डिस्कस करना है जो हमारी नेशन बिल्डिंग से इसका ताल्लुक है, और हमें इसके ऊपर बहुत वर्किंग करनी है। और नेशन किससे बनती है? फैमिली से। फैमिली किससे बनती है? अफराद से। अफराद किससे बनते हैं? एक इंसान से। एक इंसान होगा फिर दूसरा इंसान फैमिली बन जाती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप आए, और जरूर, ठीक है, आप पेरेंट नहीं है, ठीक है, आप किसी के बच्चे तो है ना, हो सकता है आप अपने माँ बाप को कुछ ऐसी चीज समझा दें, बता दें, ठीक है, जो आपको सीखने में, डेफिनेटली इल्म तो कहीं से भी आए, कुछ भी आए, हमेशा फायदा ही देता है, इल्म कभी जाया नहीं होता। अच्छा मैं बीच में थोड़ा सा एक अपना पॉइंट डालना चाहूंगा कि जिसने रजिस्टर नहीं किया हुआ वो हमें आई गेस इस वक्त 45 लोग देख रहे हैं लाइव, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि रजिस्ट्रेशन जरूर करें। इंशाल्लाह आपको रजिस्ट्रेशन लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर रहे हैं। वर्कशॉप लेनी है नहीं लेनी वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप जो बातें सुन रहे हैं ना इस वक्त आपका माइंड नरम हुआ हुआ है, दिल नरम हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह डू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप। और आपके भी जो फैमिली के अंदर आप देखते हैं कि आप समझते हैं कि जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं या जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स जिनके जिनको अक्सर मसले मसाइल होते हैं अपने बच्चों के हवाले से, तो आप उनको भी सजेशन दें कि वर्कशॉप अटेंड करें, एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अच्छा वकी भाई ये बताएगा कि अक्सर जो हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर तरजीह देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? ये जो है ना हमारी सोसाइटी का एक मसला है, डेफिनेटली बहुत बड़ा मसला है, और मैं इसको इस तरह मैं इसको देखता हूँ, मैं भी एक बाप हूँ और मेरी भी औलादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही बच्चे हैं। तो होता क्या है कि, और ये खासतौर पर क्या होता है, बड़ों के साथ होता है, ठीक है ना, कि जो पहले पहले बच्चे होते हैं ना, ये उनके साथ होता है कि माँ बाप का जो लगाव होता है या फिर एक चार्म होता है वो उसके ज्यादा होता है, ठीक है। जो बाद में आने वाले होते हैं वो यूज्ड टू उसके साथ होते हैं, और इसकी मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी, अगर आप अपने साथ भी लेके फैमिली में भी लेके, तो जो पहले पहले की सेलिब्रेशन होती हैं वो बाद वाले के साथ नहीं होती है, पहले पहले का जो एक चार्म होता है ये इंसान के ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अब इसमें ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम नेचुरल एस्पेक्ट कहते हैं, मतलब वो इंसान का उसमें इख्तियार नहीं होता कि उसको किसी एक बच्चे से ज्यादा प्यार है या इसका ना ज्यादा दिल आता है या उसको ज्यादा पसंद है, तो ये पसंद ना पसंद होना इसमें इंसान का इख्तियार नहीं होता, बस वो होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है ना। इस तरह बाप को अगर आप देखेंगे तो उसकी पसंद नापसंद अलग किस्म की होती है, माँ को आप देखेंगे उसकी पसंद नापसंद अलग तरीके से होती है, तो ये एक है नेचुरल एस्पेक्ट, ठीक है। तो और इसमें मैं हमेशा तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है भी ना, तो माँ बाप को चाहिए कि अपने उस लाइक्स और डिसलाइक्स को ना अपने दिल के अंदर ही रखें, नेवर एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। होगा क्या कि बाद में जो है ना उसके अंदर बगावत आ जाएगी, और नॉर्मली होता भी यही है। तो ये एक तो नेचुरल एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा ये होता है कि वो नेचुरली नहीं होता, वो ऑगमेंटेड या फिर वो मतलब एक फोर्सफुली या फिर किसी एक्स वाई जी एक्सटर्नल रीजन की वजह से वो चीज जो ना डेवलप होती है या हो जाती है, कराई जाती है, कोई भी उसका एक्स वाई जी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज इंसान के इख्तियार में, ठीक है। और इसमें बड़ी प्यारी एक हदीस है जो मैं हमेशा समझाता हूँ, अपने छोटों को भी समझाता हूँ, अपने बड़ों को भी समझाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि जमाने में एक सहाबी ने अपने बेटे को एक गुलाम गिफ्ट किया, ठीक है। तो उसने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं गवाह किसको बनाऊं। तो उन्होंने सोचा, चले अल्लाह के रसूल सल्लम को गवाह बना देता हूँ कि कल को मैं हूं ना हूं तो ये गुलाम मेरे इसी बेटे की ओनरशिप के अंदर, ठीक है। अब जो है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लम के पास आए और आके बोलते हैं कि मेरे जो बेटे हैं, मैंने उनको ये गिफ्ट दिया है, तो आप गवाही दें और आप गवाह रहेगा इस बात की। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो है ना, छूटते ही एक सवाल पूछा कि तुम्हारी और औलाद भी है? उन्होंने कहा, हाँ जी, ये सिर्फ एक अकेला नहीं है, मेरे और भी बच्चे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा, क्या तुमने जिस तरह इसको गिफ्ट किया है, तुमने औरों को भी गिफ्ट किया है? औरों को भी गिफ्ट दे रहे हो तुम इस तरीके? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ इसको गिफ्ट दिया है, औरों को महरूम रखा है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जाहिर सी बात है एक एनमिटी पैदा हो जाती है, जेलसी का फैक्टर पैदा हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने इसको तो दिया, या छोटे वाले को दिया, बड़े वाले को महरूम कर दिया, बड़े वाले को दिया, छोटे वाले को महरूम कर दिया, या दो को दिया, एक को नहीं दिया, एक को दिया, दो को नहीं दिया। तो इस तरह का जो भी है ना इम्बैलेंसमेंट होगी, उससे क्या होगा, उस फैमिली के अंदर एक दरार और एक क्रैक आ जाएगा, और एक एक कैंसर जो है ना वहां पर डेवलप हो जाएगा, जो विद टाइम, देखें ये बीज हम डाल देंगे, ये बीज पेरेंट्स डालते हैं, और बाद में शैतान उसको एक्सप्लॉइट करता है, और अगले सालों के अंदर वो बहुत बड़ा फसाद बन जाता है, और एक ऐसी जंग क्रिएट हो जाती है, एक ऐसा ये मसला बन जाता है जिंदगी भर इसको जो है ना सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसी वजह से खानदान में अनबन रहती है, ठीक है ना। तो इसकी इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन अल्लाह के रसूल ने क्या दिया, कि या तो सबको दे दो या फिर तुम किसी को भी ना दो, ठीक है ना। तो और ये चीज बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर अप्लाई होती है। आप बच्चों को चीज लेके दे रहे हैं, आप बच्चों को गैजेट लेके दे रहे हैं, कोई टॉय लेके दे रहे हैं, इनफैक्ट कोई बुक लेके दे रहे हैं। अब हर किसी की पसंद अलग अलग है, हर किसी को अलग अलग चीजें दे सकते हैं, बेटा आपको मैंने वो चीज दी, आपको मैंने वो चीज दी, ठीक है। और इसे बड़ा अच्छा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊं, समटाइम ऐसा होता है कि कोई भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से जो माँ बाप है वो एक ही चीज लेके आते हैं, और उसको जो बरतने वाले या उसको यूज करने वाले लोग दो चार पांच होते हैं, ऐसे में क्या करें, सिंपल ओनरशिप जो है ना, चले टॉय क्यों ना हो या कोई भी घर की यूजेज की चीज हो, कुछ भी हो, बाप क्या बोले माँ क्या बोले, ये मेरी, आप छोटे से एक टॉय भी लेके आए, बोले जी मेरा है। अब बच्चे बोलेंगे, बाबा आपको टॉय का क्या करना, डैडी आपको टॉय से क्या करना है? बेटा एक खेलने की कोई उम्र थोड़ी होती है, बस मुझे पसंद है, मैं ले आया हूँ, लेकिन आप सब लोग यूज करो। अब उससे क्या होगा, जब आप ओनरशिप नहीं देंगे, हमको पता है ये बाबा की चीज है, ठीक है, ये डैडी की चीज है, अब हम इसको यूज जरूर करेंगे, ये फैमिली टॉय है, या इसको नाम दे रहे हैं फैमिली टॉय, मतलब ये सबका कुछ तरीका है, सब इसको यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो जो बीच वाला जो एक वाला जो एलिमेंट है ना एनमिट वाला, वो पैदा ही नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर वो क्रैक फिर आता ही नहीं, फैमिली के अंदर वो लूप होल आता ही नहीं है, तो फिर हमारी जो जो पेरेंटिंग है, जो फैमिली है, वो स्मूथली चल रही होती है। इस तरह के बहुत सारे सोल्यूशन है, अगर हम बैठ के सोचें, बात करें, इस तरह के सेशन लें, हमें सीखने को मिलता है इन सबके अंदर। तो, और अगर नहीं करेंगे, और हमारे मोस्टली मैंने फैमिलीज के अंदर देखा है कि लोगों के अंदर जो है ना माँ बाप इस बारे में सोचते ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होता, बेचारों को अवेयरनेस भी नहीं होती, वो अपने फ्लो के अंदर, अपने ममता के अंदर और अपनी शफकत के अंदर बाप जो है ना वो सारे काम कर देता है, बाद में जो है ना वो फसाद हो जाता है। जैसे एक बाप जो है ना अपने बेटे को, बड़े बेटे को एक गाड़ी लेके देता है, छोटे वाले बेचारे पैदल है, ठीक है। अब वो बात बड़े होते होते ओनरशिप तो आ रही है ना, ठीक है, फिर क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं हम यार बसों में और चिंचियों में और जो है ना ऊबर करीब में ख्वार हो रहे हैं, और हमारा भाई जो है या बड़े वाले जो है उनको ये मिलना है, ठीक है, या तो गाड़ी रखें, ओनरशिप अपने पास रखें, वो नहीं, सर इससे फैमिली का, ठीक है, इख्तियार अपने पास रखेंगे, या तो सबको दें, सबको सारे इख्तियार दें, इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं, अगर नहीं है तो अपने पास रखें, और फिर हर एक नीड के हिसाब से उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फैमिली के अंदर कोई रिफ्ट क्रिएट नहीं होगी इस तरीके से। और ये छोटा सा एक उसूल है जो इस हदीस के थ्रू मैंने निकाला आपके सामने, और इसको हम फैमिलीज एंड फैमिलीज एंड फैमिलीज एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स सेंचुरी एंड सेंचुरी में अप्लाई करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारी फैमिलीज में इन इस एस्पेक्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। जी अच्छा, मलिया आसिफ कह रही हैं कि अक्सर होता ये है कि जो पेरेंट्स जो हैं आपस में मतलब जस्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को लग रहा होता है कि जस्टिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप के अंदर। इसके आंसर के लिए आप हमारी वर्कशॉप रजिस्टर करें, इंशाल्लाह इस पॉइंट को उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा वकी भाई, एक और चीज़ बताएगा कि अक्सर मैंने देखा है जो बहुत कॉमन इशू है कि पेरेंट बच्चे पेरेंट्स से ना बिटर जाते हैं बिल्कुल, कि मतलब बात माननी नहीं है, इतना तंग आ जाते आपने हैं कि बिठरना वर्ड यूज किया, हर किसी को नहीं पता बिठरना, ठीक है ना, आई मतलब थिंक इट्स अ बहुत ज्यादा पंजाबी वर्ड। दूर हो जाते हैं पेरेंट्स से। सॉरी फॉर दैट, बच्चे बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं अरे पेरेंट्स आई द गुड ट्रांसलेशन आई थिंक वो जो है ना
बगावत उनके अंदर आ, बिठाना मीन्स बगावत उनके अंदर आ जाती जाती है या बदजन हो तो जाती हाँ है। बदजन हो जाते हैं। तो क्या वकी भाई ये पॉसिबल है कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बेटा 18 साल का 20 साल का है फॉर एग्जांपल 25 साल का भी हो गया और बदजन है तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि वो अपने वालदैन के करीब हो जाए जो गैप है वो गैप फुल हो जाए। शुरू में मैंने जो बात की थी ना, मैं पेरेंटिंग को ना जो हमारी जो प्लांटिंग है मैं उसके साथ बहुत स्टडी करता हूँ कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप देखें छोटा सा बीज होता है और उसमें एक छोटी सी कोपल निकलती है, छोटा सा एक वो निकलता है, फिर वो होते होते वो ग्रो करता है। तो मैं उसको स्टडी करता हूँ और मैं पेरेंटिंग के मतलब पेरेंटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं ना, तो वन ऑफ देम मैं जो मुझे बहुत अच्छी जो चीज लगती है वो मुझे ये लगती है कि मैं एक एक छोटे से प्लांट को देखूं और फिर मैं एक बच्चे को देखूं और मैं एक दरख्त को देखूं और मैं एक इंसान और एक मर्द को देखूं या एक औरत को देखूं, तो वो जो है ना चीज बड़ी अच्छी से समझ में आती है। ठीक है, अब इसमें मैं समझता हूं कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो भी गया है, ठीक है, और वो इस तरह से बदजन है तो डेफिनेटली उसके कोई रूट कॉज होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यह है कि एक दो सिनेरियोस है भाई, एक तो ये कि दरख्त ही आपका बिल्कुल टेढ़ा है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि उसको टेढ़ा होने के अंदर कितने साल लगे, ऐसे तो दरख्त नहीं होते ना, ऐसे तो प्लांट नहीं होते, आप लगाएं और 2 साल के अंदर जो है ना वो पूरा दरख्त बन जाए। एक पौधे को दरख्त बनने के अंदर भी कम से कम भी 5 से 10 साल लगते ही लगते हैं, तो एक चीज को बनने के अंदर 10 साल लगे, अगर 5 10 साल 15 साल अगर आपने बिल्कुल मतलब के गुजारे आपने और आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि जी ये इसकी ग्रोथ किस तरफ जा रही है, इसकी जो हवाएं किस तरफ है, इसकी अदाएं किस तरफ है, इसके जज्बात किस तरफ है, इसके एहसास किस तरफ जा रहे हैं, तो और वो सब चीजें जो है ना उसकी अगर आप एक प्लांट को देखें और एक बच्चे को देखें सब समझ में आ रहा होता है। अगर वो पीला पड़ना शुरू हो जाए, जिस तरह पीला पड़ना शुरू होता है तो हमें पता चल रहा होता है कि देखें कि इसके अंदर ना कुछ इश्यूज है जो आपको अभी डील करने हैं, या तो कल को हो सकता है ये मुरझा जाए, हो सकता है ये डेड भी हो जाए, तो वो हो सकता है वो स्पिरिचुअली या मॉरली डेड हो जाए बच्चा, ठीक है ना, जिस्मानी तौर पे तो वो जिंदा है लेकिन वो मेंटली या साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल उसकी एक डेथ हो चुकी होती है। तो ये हमारे पौधों के साथ भी होता है, ये हमारे बच्चों के साथ भी होता है, ठीक है ना, तो अगर तो वो एक चीज इतने सालों के अंदर डेवलप हुई है, ठीक है, और वो चीज उसका जो स्टेम है वही टेढ़ा है, डेफिनेटली उसको सीधा करने के अंदर 20 साल उसको टेढ़ा करने में लगाए तो 20 साल को सीधा करने में लगाए, हम क्या करते हैं जी 20 साल में बर्बाद किया ना, 1 साल में सही करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके दांत टेढ़े हो जाते हैं ना, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं ना, कितने साल का प्रोसीजर होता है वो, तो हर 2 3 6 6 महीने बाद आपके यहाँ अपॉइंटमेंट होते हैं, फिर जाते हैं तो आपको सेट करते हैं, मतलब टेढ़ी चीज को सीधा किया जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर बदजन है उसके रूट कॉजेस होते हैं, और दूसरे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि एक दरख्त बिल्कुल सही था, फल भी देता था, मतलब एक बच्चा बिल्कुल सही था, सही वर्किंग सही ट्रैक के ऊपर जा रहा था, उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल सही थी, और एकदम से क्या हुआ, उसने फल देना बंद कर दिया, भाई अल्लाह ताला ने नेचर ये रखी है कि वो जो दरख्त है वो फल देगा, अल्लाह ताला ने एक बच्चे की नेचर ये रखी है कि वो सही ट्रैक पे रहेगा, ठीक है, अगर वो डी ट्रैक हो रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है, तो जो उसका केयर टेकर है, जो उसके माँ बाप हैं, जो मुरब्बी हैं, जो उसकी तरबियत करने वाले हैं, तरबियत तरबियत वर्ड जो है ना, मुरब्बी मतलब पालने वाले वो कहते हैं, जो उसको पाल रहे हैं उसका काम है, जो उसके गार्डनर है उसका काम है कि आप जो है ना जाके उसको डील करें, देखें कि उसकी रूट्स के अंदर क्या ऐसे इश्यूज आए कि जिसके आउटबर्स के अंदर, उसके आउटर लुक के अंदर या उसके आउटलुक के अंदर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं कि वो उस तरीके से जो है ना फ्रूट नहीं दे रहा है, उस तरीके से वो ट्रैक के ऊपर नहीं है। डेफिनेटली हर चीज को सॉल्व किया जा सकता है, अल्लाह ताला ने एक इंसान से 100 कतल किए, 100 कतल बनी साहब, उसको भी जो है ना सही करने का सोल्यूशन था इस्लाम के पास, कुरान के पास, ये तो एक लड़का एक बच्चा है, आई समझ में, तो बिल्कुल आराम से डील हो जाएगा। बिल्कुल वकी भाई जजाकला खैर। अच्छा वकी भाई एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा बेसिक जो कि बहुत बड़ा आई गेस मसला तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बच्चा जो कि जॉइंट फैमिली में बड़ा होता है और एक बच्चा जो कि अलग बड़ा होता है तो क्या दोनों की साइकोलॉजी में डिफरेंस होता है कोई? बिल्कुल, मैंने जो है इसके अंदर एक पूरा एक टॉपिक रखा है इस वर्कशॉप के अंदर कि कौन सा जो फैमिली सिस्टम है वो बेटर है, मतलब एक को हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं और दूसरे को हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बेटर है या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बेटर है। तो देखें हर चीज के जो है ना अगर आप मुझसे पूछे जी वन लाइनर, तो मैं वन लाइनर नहीं दे सकता, आई कांट डू दैट,
क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और हर चीज से जो उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर मतलब जो बिल्कुल अलग रह रहे होते हैं पेरेंट्स, उसके अंदर जो बच्चे, वो जाहिर सी बात है उनकी बहुत सारी चीजें वो बहुत अलग होंगी, और जो ज्वाइंट फैमिली के अंदर जिनकी अपब्रिंगिंग होती है उसकी जो है ना जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होंगे। लेकिन हम इसमें जरूर ये जरूर कहेंगे कि कौन सी चीज मतलब बेहतर है और कौन सी चीज कम बेहतर है, क्योंकि देखिए हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम उठा के तो नहीं साइडलाइन कर सकते, हम इसको इरेडिकेट तो नहीं कर सकते फैमिली इस सोसाइटी के अंदर से। ये तो एक्सट्रीमली सपोज हो जाएगी ना, मतलब फिर तो वो काठी लगा दी ना आपने, क्रॉस लगा दिया यूं करके। अब जो दुनिया के अंदर या खासतौर पर हमारे इंडो पाक के अंदर जो हमारे जो एक कल्चर एग्जिस्ट करता है, या फिर किसी और मुस्लिम कंट्री के अंदर भी, मतलब आपने तो फिर काठी लगा के आपने तो जीरो कर दिया ना। अब बेचारे वो क्या करें, वो नस्लन नस्लन वो सदियों से जो है वो इतना रहते हुए आ रहे हैं, अब वो क्या करेंगे जी, हर कोई जी अब अलग अलग घर निकाल, ऐसा नहीं होता। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम वर्स से वर्स सिनेरियोस और कंडीशन के अंदर उसी में से एक वे आउट निकालने की कोशिश करता है। अल्लाह का मिजाज है क्या ना, वो मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, क्या मतलब है इसका, मतलब मखरज अल्लाह ताला जब सारे रास्ते बंद होते हैं मखलूक दुनिया के इंसानों की तरफ से, इस कायनात की तरफ से, अल्लाह अपना एक दरवाजा खोल देते हैं वहां से, क्या मतलब, मतलब वर्स कंडीशन होती है ना, वहां से एक होप रे ऑफ होप जरूर निकलती है वहां से। तो हम उसके अंदर से भी जो है मतलब हम तो नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव निकालने वाले लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालने वाले लोग हैं। तो अगर इसके अंदर कोई कॉन्स भी आ रहे हैं, कोई इश्यूज भी आ रहे हैं, कल को हम उसको स्ट्रेंथ बना के ना पेश कर सकते हैं, हमारी की स्ट्रेंथ बन सकती है, या तो माँ बाप के अंदर या बच्चों के अंदर डेफिनेटली। तो इसमें वर्डिक देना कि जी कौन सा फैमिली सिस्टम बेहतर है, क्या बेहतर है, तो उसको डिटेल में तो हम दैट्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके ऊपर वन लाइनर देना या भाई एक्सट्रीम अप्रोच रखना, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी एक्सट्रीम अप्रोच होगी, और ये मतलब एक एक अकलमंद इंसान और एक रियलिस्टिक इंसान जो एक सोसाइटी में रहने वाला, सोसाइटी के लोगों के मिजाजों को, उनकी कमजोरियों को, और सबसे पहली बात अपनी कमजोरियों को समझने वाला इंसान, खुद अगर इंसान वाइफ आना, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इंसान को क्या बनाया, इंसान बड़ा ज़यीफ पैदा किया गया है, बड़ा वीक है, बहुत कमजोर है, हर एस्पेक्ट में आप देखें बहुत कमजोर है वो, तो उस कमजोरी को सामने रखते हुए आप जो है ना मतलब इतना सख्त सोल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं कि बहुत अच्छा नहीं, कम अच्छा सोल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये मिडिल देख लेते हैं ना, बहुत अच्छा हो ना कम अच्छा हो ना कम बुरा हो, बीच का एक रास्ता निकला है, तो ऐसा भी होता है समटाइम, ठीक है ना। तो वन लाइनर नहीं मिल सकता इसके अंदर, वो बड़ी रिजिड अप्रोच होगी, और मैं नहीं समझता कि वो एक वाइज अप्रोच है, ये कहना वो हकीमाना कोई मैं उसको अंदाज कहूंगा, और कि वो एक इमेच्योर मैं उसको सोच कहूंगा, कि मैं अगर एक चीज को मैंने वन लाइनर लगा के एल्शियम दे दूं कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं होता जी। सही। अच्छा, हमसे किसी ने फी पूछी है वर्कशॉप की, तो जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आप उसमें रजिस्टर कर लें इंशाल्लाह, जो भी हमारे सेल्स की रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करके सारी डिटेल्स इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू आपको बता देंगे। नहीं और हसन, कितने लोग ये बड़े बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहे हैं। मैं जब देखिए, जब पढ़ने पढ़ाने की बात होती है ना, मैं उसको कभी भी जो वर्ड यूज किया गया ना फीस, मैं उसको फीस नहीं कहता, ठीक है, बिल्कुल इट्स इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब ये पढ़ने पढ़ाने की एजुकेशनल अप्रोच जब होती है ना, जब पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, तो इसको हम फीस नहीं कहते, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बिल्कुल होता है, तो पे बैक करेगी, तो और बहुत मिनिमल सी एक फीस है या इन्वेस्टमेंट है, बहुत मिनिमल सी, ठीक है। तो आप उसको इन्वेस्ट करें, और ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जाया कभी नहीं जाएगी, जो भी चीज सीखी जाएगी कल को बहुत मतलब मेरे में लाखों करोड़ों का फायदा दे जाएगी। अगर आप पैसों के एस्पेक्ट से बात करें, लाखों करोड़ों का फायदा दे जाएगी छोटी सी इन्वेस्टमेंट, मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ जो एक इंसान कर सकता है ना, वो बिल्कुल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें इंसान, तो बिल्कुल इट इज अ डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान को जो सबसे ज्यादा सुकून आता है जब वो रात को ऑफिस से आता है या बिजनेस करके आता है घर पे, तो उसको सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है अपने घर पे मिलता है। अगर उसके बच्चे उसकी बात ना माने या मतलब उसका घर का माहौल ही खराब हो तो क्या फायदा इतनी कमाई का या किसी और चीज का। आई बिलीव वकी भाई ने बहुत जबरदस्त वर्ड यूज किया कि एक इन्वेस्टमेंट है, जिसको छोटी सी अरबी में इन्वेस्टमेंट एक है। वर्ड होता है, अरबी में जो
भाई, उसको मस्कन भी कहते हैं, अच्छा बड़ा गहरा नुकता आपको समझा रहा हूँ। मस्कन भी कहते हैं, मस्कन वर्ड निकला है सा सीन काफ़ुन सकना, सकना से ही एक वर्ड निकलता है सुकून। मतलब मस्कन में इंसान क्या करता है, अपने घर में क्या करता है, सुकून हासिल करता है। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने फैमिली को भी, बच्चों को भी, माँ बाप को भी, इन सबको सुकून का जरिया करार दिया। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ ये छोटी सी अगर एक इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अगर आपकी लाइफ में सुकून हो जाए, ठीक है, तो आई डोंट थिंक वो इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। मतलब कल को बहुत ज्यादा देखो चीजें खराब हो जाए, मसाइल हो जाए, लोग छोटी छोटी बातें हैं और उसके ऊपर जो ना खुदकुशियां कर लेते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं और घर बर्बाद कर देते हैं, मतलब चीजें तोड़ देते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें एंड गो ऑन। बिल्कुल जी, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आई गेस 36 लोग हमें हमें देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो आई गेस उनको रजिस्टर लाजमी करना चाहिए, सारे पॉइंट्स उन्होंने सुने। अच्छा बाकी भाई एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप कोई एक ऐसा पॉइंट बता दें जिसको सुन के, जो कि आप डिस्कस करेंगे, जो कि मतलब इतना कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता है इस वर्कशॉप के हवाले से, जिसको मतलब सुन के इंसान क्या है क्या मैंने वर्कशॉप लाजमी करनी है। कोई एक ऐसा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा जो कि जिसको इतना आप क्या कॉमनली डिस्कस कहेंगे, किया जाता है। जो इतना कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता, मैं डेफिनेटली इसके अंदर जो है ना, जब नॉर्मली एक जो पेरेंट है वो जब एक चीज को समझ रहा होता है ना, तो वो हमेशा अपने बच्चों को डील करने की बात कर रहा होता है। ठीक है, और जितने एजुकेशनल्स के साथ मैं बैठा हूँ और वेबिनार्स भी किए हैं, या फिर वन ऑन वन भी मेरी जितनी कभी बातचीत हुई है, मीटिंग्स होती है, या फिर तबादला ख्याल होता है, या फिर हम नॉलेज एक एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो हमने, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई और हो, जो चीज़ मैंने हमेशा देखी है और जो पेरेंटिंग वाले जितने भी कोचेस हैं या एक ट्रेनर्स हैं या फिर स्पीकर्स हैं, जो हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, वो माँ बाप के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर एक जो बड़ा एक प्यारा पॉइंट है, इसको मैं कह रहा हूँ लूप ऑफ लर्निंग, के जो इल्म हासिल करना है ना, ये एक क्या है, ये एक लूप है, लूप मतलब एक साइकिल है, और ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, और ये मैं पर्सनली इस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहले मैंने जो इल्म हासिल किया वो मैंने अपने लिए इल्म किया, और अब यकीन करें अब जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, एक तो अपनी मेरी पर्सनल ग्रोथ है ही है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए भी और पढ़ना पड़ता है। लिटरली आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमें ये लग रहा होता है कि जी जो पढ़ाई है, लिखाई है, जो एजुकेशन है हमारी, ये बस एक हमारा, हमने जो है ना वो 16 ईयर्स 14 ईयर्स हमने कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारा पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लम क्या कहते हैं ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में से बेस्ट वो है जो क्या करते हैं, कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। मतलब क्या है कि वो अपने उस लूप के अंदर रहते हैं, या तो सिखाने वाले होते हैं या वो सीखने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो जो सीखने सिखाने का प्रोसेस है, ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होना, कभी खत्म नहीं होना। तो कभी आप क्या बन जाते हैं, कभी आप टीचर बन जाते हैं, कभी आप स्टूडेंट बन जाते हैं, और ये बहुत नेसेसरी है कि आपने अपने लिए पढ़ने के बाद आपने अपने बच्चों के लिए भी पढ़ना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई स्कूल ज्वाइन कर लें, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें, देखिए जो इल्म है ना, जो नॉलेज है, वो कहीं से भी हासिल की जा सकती है। ठीक है ना, और ऑब्जर्वेशन भी अपने अंदर एक बहुत मैटर रखती है, बहुत मतलब वैल्यू रखती है चीजें, आप मतलब चीजों को ऑब्जर्व करें, उसको बैठ के आप जो ना कंटेम्पलेट करें, उसको गौर फिक्र करें, सोच विचार करें, बड़ा आपको उसमें से इल्म मिलेगा वहां से भी। ठीक है ना, तो इसको डिस्कस करना, अहले इल्म के साथ बैठना, तो उनको सुनना, उनके उनकी उनसे रहनुमाई लेना, उनसे चीजों को डिस्कस करना, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेना, ये सब चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज है जो बड़ी यूनिक है, और इसके अंदर एक और चीज जो मैं डालना चाहूंगा, वो उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग कहते हैं उसको। ठीक है ना, मतलब पहले के दौर के अंदर, आज के दौर के अंदर बड़ा है ना, सिनेरियो से बड़ा फर्क आ गया है, तो प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग के ऊपर ही मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, कि अपने मतलब कंफर्ट जोन कितना देना है बच्चों को, कितना पैम्पर्ड करना है, कितना रिस्क टेकर बनाना है, क्योंकि पता है क्या,
ये आपने कभी सुना होगा कि जो बच्चा होता है ना, इसको कहते हैं ये खाली एक तख्ती की तरह होता है, इट्स लाइक अ प्लेन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब आप उसके अंदर जो ना उसको फिल करते हैं, मतलब एक स्केच बना हुआ है, अब उसमें क्या उसमें कलर्स डालने हैं, ये किसका काम है, ये पेरेंट्स का काम है, ये उसकी सोसाइटी का काम है, ये हमारा काम है, ठीक है ना। तो हम चाहें तो उसमें बड़ी अच्छी सी उसकी एक सीनरी बना सकते हैं, बहुत अच्छा एक इंसान बना सकते हैं, और हम चाहें तो उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ बच्चों को, अपने भी दूसरों को भी, आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चा डरता भी उससे जिससे आप डराते हैं, बच्चा नडर भी उससे होता है, मतलब जो ब्रेवरी है वो भी उसकी वही पैदा होती है जहां पे आप जाना चाहते हैं। छोटा सा बच्चा है ना, उसको शेर के सामने खड़ा कर दे, ठीक है, तो शेर के सामने खड़ा कर दे हम, और वो धाड़ेगा ना, बड़ा वाला शायद कोई इंसान है ना, मेच्योर पीछे हो जाए, छोटे बच्चे को आप देखेंगे वो जितना धाड़े, जितना शेर जो है ना वो दाड़ेगा वही, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया कि भाई जब शेर दाड़े ना तो तुमने डरना है, मतलब क्या है कि डरना नहीं सिखाया गया, हिम्मत दिलाना सिखाया, मतलब इस तरह की हर चीज आप क्या करते हैं बच्चों को समझाते हैं। और मैं एक आयत इसके सामने रखूंगा, मैं कुरान और हदीस से अच्छा कंटेंट हमारे पास दुनिया में कहीं नहीं याद रखेगा। अल्लाह ताला कहते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि अम्महातिकुम ला तअलमून शैया, तुम अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे माओ के पेटों से निकाला, और हाल ये था, ला तअलम, स्टेट बता रहे हैं ताला, ला तअलमून शैया, कि तुम उस वक्त कुछ भी नहीं जानते थे। जो इल्म होता है, मतलब किस चीज का इल्म, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बहन भाई है, क्या चीज मोहब्बत होती है, क्या चीज खौफ होता है, क्या चीज उम्मीद होती है, क्या चीज गुस्सा होता है, किस तरह उसको एक्सप्रेस करना होता है, किस चीज को अच्छे तरीके से आपने जो है ना उसको क्या क्या जेस्चर्स देने हैं, आपने क्या आपके इमोशंस होने चाहिए, किस तरह के जज्बात रखने चाहिए, किस तरीके से आपने अगले को जो है ना एक रिगार्ड देना, ये सारी चीजें अल्लाह ताला कहते हैं ला तालम, कुछ नहीं पता होता। फिर आगे अल्लाह ताला ने मीडियम्स जो जराए हैं उसका तस्करा कर दिया, वजअलकुम अस्समअ वल अबसार वल अफिदा, तीन चीजें अल्लाह ताला ने डिस्कस की हैं, इनको मिलकोर्स कहते हैं, अल्लाह ताला ने कान बनाए तो दैट ही और शी कैन लिसन, वल अबसार ये आंखें बनाई हैं ताकि वो देख सके, ऑब्जर्व कर सके, और उससे भी एक इल्म हासिल कर सके, वल अफिदा थिंकिंग बॉक्स, इन दोनों के थ्रू वो क्या करेगा, सुनेगा और देखेगा, मेजर जो चीज है, और उसके बाद क्या करेगा, वल अफिदा और दिल बनाए ताकि उन सारे इंग्रेडिएंट्स को जब वो बाहर से इनटेक ले रहा है अंदर जमा करे और उसका क्या करे एक आउटपुट अंदर निकाले, वल अफिद लाल नकुम तशकुरून, ताकि इन सब के तुम क्या करो एक एक्ट प्रोड्यूस कर सको तुम, ठीक है ना। तो ये पूरे जो एक मशीन का ये कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला इंटरनल जो हमारी मशीन है उसका पूरा मैप अल्लाह ताला ने समझाया, बड़े प्यारे अंदाजे में समझाया, ठीक है ना। तो बच्चे को लिटरली कुछ नहीं पता, एक बच्चा पाकिस्तान की मिसाल लें, वो सिंध में पैदा हो रहा है, ठीक है, एक ही बच्चा, या चले आप एक काम करें, आप ट्रिपलेट्स ले लें, ठीक है, ये चार एक ऐसे बच्चे ले लें जो एक ही जगह पर, एक को आप सिंध में रख दें, एक को आप पंजाब में रख दें, एक को आप केपीके में रख दें, एक को आप जो है ना अलग अलग बलोचिस्तान में, चारों एक अलग किस्म की ब्रीड निकले, एक अलग ही नस्ल होगी, वो एक अलग ही बात होगी, एक अलग ही उसकी जुबान होगी, एक अलग ही उसका लहजा होगा, एक अलग ही उसका एक्सप्रेशन होगा, अलग ही उसका टेस्ट बर्ड होगा, आई समझ में, क्यों, जब हम उसको क्या कर रहे हैं एक तरीके से तराश रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन टूल्स के साथ कोई बड़ी चीज, एक बड़ी कोई आला किस्म की हम कोई चीज बनाए, या फिर हम उसको खराब और बर्बाद कर दें, या फिर एक सिर्फ एक एवरेज से एक चीज निकाले, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल चीज है, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ी मजेदार चीज है, इंसान को बहुत सीखने को मिलता है, और बड़ा सबर इंसान के ऊपर आता है, और बड़े दौरों से गुजरना पड़ता है इंसान को, और ऐसे नहीं है अल्लाह का सुनने का कि शादी जो होती है वो इंसान के ईमान को मुकम्मल कर देती है, बड़ी बड़ी गहराई है इसके अंदर, बहुत बड़ी अपने अंदर साइंस है। तो ये कुछ चीजें जो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली बड़ी यूनिक है, और हमें इसको सीखना चाहिए, हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, और हमें इसको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पेरेंटिंग के अंदर, या फिर फ्यूचरिस्टिक पेरेंटिंग के अंदर इसको पार्ट बनाना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर वकी भाई, कुछ पॉइंट्स तो आपने ऐसे बताए कि दो आई एम जस्ट 22 years old, लेकिन मैं सोचा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब अगर इंसान जब भी पेरेंट बनने के सोचता है या कुछ भी करता है तो कितनी प्रिपरेशन की उसको ज़रूरत होती है।
अभी तो आपने बेसिक से आई गेस मैक्रोस बताए हैं, इंशाल्लाह हम अपकमिंग वर्कशॉप के अंदर इसको माइक्रोस के अंदर जाके स्टडी करेंगे सारे पॉइंट जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स बाकी भाई नहीं पता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह डू अटेंड दिस वर्कशॉप। साथ बाकी हमारे बहुत सीनियर काउंसलर हैं जो कि मोस्टली पेरेंट्स वगैरह के या बच्चों के इश्यूज़ वगैरह रिजॉल्व करते हैं, हमें डार की तरफ से काउंसलिंग करते हैं, तो वो सारे इशूज़ को एक जगह करके उनको सामने रखते हुए उन्होंने वर्कशॉप बनाई है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप विच विल बी हेल्ड ऑन 23rd of August, संडे को इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी। अगर इन केस आप वर्कशॉप की टाइमिंग्स आपसे क्लैश करती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएसए वगैरह में रहता है, किसी की ऑफिस जॉब वगैरह होती है, तो नो इशू, इंशाल्लाह आप रजिस्टर करें वर्कशॉप के लिए। और अगर इन केस आपको नेटवर्क इशू होता है या अगर आपसे सेशन मिस आउट हो जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंडली इंशाल्लाह इस वर्कशॉप का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं भी एज इट मतलब टीचर या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं सीवी के अंदर कि आई हैव अटेंड दिस वर्कशॉप और इतना कंटेंट वगैरह मुझे पता है। सो डू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप। वंस अगेन मैं बार बार यही कहूँगा, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक दी हुए, इंशाल्लाह आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू। जज़ाकअल्लाह खैर वकी भाई, इंशाल्लाह अब हम आपको मिलेंगे आपकी अपकमिंग वर्कशॉप के अंदर 23rd of August को इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।